ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਨ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर, तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई। अज असी एक अजिहा पाउडर या पंजीरी बनावांगे जिनू असी दुध नाल लै सकते हाँ। ये बहुत ही ताकतवर रेसिपी है। ये जेडे इनग्रेडियंट्स समगरी असी यूज़ की है उन्हों का कॉम्बीनेशन इन्ना ज़्यादा वधिया है कि वह गर्मिया के मौसम लिए भी बहुत वधिया है, तो नाल ही नाल इस सारिया कमजोरियां नू इको नाल ही ठीक कर सकता है। आओ रेसिपी नू जानते हाँ। जेड़े दुध की वरतों नहीं करना चाहते वह कोकोनट मिल्क या फिर बदाम का दुध जोड़ा है वह भी वरत सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सानू थोड़िया ही चीज़ों की जरूरत है। सब तो पहला असी भुने हुए चने लै रहे हाँ, भुने हुए छोले। इन्हों असी छिलके समेत ही लिया है, तो जो भी पसंद होए छिलके वाले या छिलके बिना तुसी लै सकते हो। थोड़े जे असी मखाने लै रहे हाँ, जे चने जड़े ने 100 ग्राम ने, तो मखाने ने असी 50 ग्राम के लगभग लै लवेंगे। थोड़े जे असी मगज लै रहे हाँ, मगज चारों रले हुए ने, ये 20-25 ग्राम के लगभग होंगे। तो नाल ही स्वाद के अनुसार असी मिश्री का इस्तेमाल करना है। जिन्हां नू डायबिटीज़ है वह मिश्री का इस्तेमाल ना करन, वह बिना मिश्री ही इस रेसिपी नू बनाउन। सर्दी का मौसम हुंदा तां असी इहदे विच होर भी कई चीज़ा पा सकते सी, पर असी गर्मियां नू ध्यान रख के केवल थोड़ियां ही चीज़ा लै रहे हाँ। पर इन्हां चीज़ों के विच भी ताकत इन्नी ज़्यादा है कि वह तुहाडे सारियां समस्यावां नू खत्म कर सकती है। इस तों बाद असी 6-7 कालिया मिर्चां दे दाणे, 10 इलायची दे दाणे, ते 2 चम्मच असी सौंफ जिहड़ी हुंदी है वड्डी हरी सौंफ वह लै रहे हाँ। ये एक तरह का मसाला इहदे विच पावांगे जिहड़ा ठंडी तासीर दा है ते पाचन दे विच मदद करेगा। असी कढ़ाई नू रख के सिर्फ 1 चम्मच घी का पाउणा है। ये घी का चम्मच भी बिल्कुल ऑप्शनल है, तुसी चाहो तो पा सकते हो, नहीं तो ना पाओ। ते मखाणियां नू रोस्ट कर लेना है। घी दे विच जे असी मखाने रोस्ट करते हाँ तो ज़्यादा वधिया तरीके नाल रोस्ट हो जाते हैं, हेठों सड़ते नहीं। पर जे तुसी बिना घी तो रोस्ट करना चाहते हो तो बिना घी तो भी रोस्ट हो सकते हैं। ये पूरा पाउडर बिना ही घी तो बन सकता है। इस करके जिन्हां फैटी लिवर की समस्या है, जिन्हां दा कोलेस्ट्रोल हाई है, या फिर जिन्हां हार्ट दियां तकलीफ है, जिन्हां फैट लैना किसी भी कारण करके मना है, या फिर वो फैट नहीं लैना चाहते, उन्हां दा वेट ज़्यादा है, तो उन्होंने भी ये रेसिपी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा वधिया है। मखाणियां दे विच खूब कैल्शियम हुंदा है, हड्डियां ते जोड़ां की मजबूती लई बहुत वधिया सोर्स ने। इन्हां नूं गर्मी दे विच भी थोड़ी मात्रा दे विच खादा जा सकता है। मखाणियां दे विच पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स लई ते हार्ट दे मरीजां दे लई बहुत ज़्यादा वधिया ने। उन्हां नूं ताकत देन लई इह बहुत वधिया काम करदे हन। अक्सर ही इस तरह दे जिहड़े मरीज हुंदे हन उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, तो उस कमजोरी नूं असीं दूर करन दे लई इस तरह की खुराक जे अपनी ऐड करदे हाँ, इह सानूं कोई नुकसान नहीं करदी, सगों साडी ताकत नूं वधाउंदी है। मखाने रोस्ट हो गए ने, इन्हां नूं असीं बाहर कढ लैना है। इस तों बाद असीं जिहड़े छोले लए ने उन्हां नूं वी असीं इक वारी रोस्ट कर लवांगे, क्योंकि असीं इस पाउडर नूं स्टोर करना है, वह बिल्कुल भी खराब ना होवे ते उहदा टेस्ट चंगा आवे, इस करके चीज़ां नूं रोस्ट करके ही वरतो। छोलियां दे विच सानूं चंगी मात्रा दे विच प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन की जरूरत साडे शरीर नूं बहुत ज़्यादा हुंदी है, क्योंकि प्रोटीन साडे टिश्यूज़ नूं ठीक करता है, सानू एजिंग तो बचाउंदा है। इहदे नाल जदों असीं ठीक मात्रा दे विच प्रोटीन लैंदे हाँ तां बुढ़ापा जल्दी नहीं आउंदा, साडी हड्डियां ते मांसपेशियां नूं मजबूती दिंदा है, वेट नूं मेनटेन करन दे विच भी मदद करदा है। जदों भी असीं वेट लॉस की गल करदे हाँ, भार घटाउणा चाहुंदे हाँ, तां असीं हमेशा कहिंदे हाँ कि प्रोटीन नूं ज़्यादा मात्रा विच ऐड करो, उहदे नाल भार बहुत जल्दी घटना शुरू हो जाता है। पर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जदों भी वो प्रोटीन लेंदे हन तो उन्हां दी बॉडी जिहड़ी है, उन्हां दा गट है, इंटेस्टाइन, वो प्रोटीन नूं पचा नहीं पाउंदा, तो उन्हां नूं बहुत ज़्यादा कब्ज रहनी शुरू हो जाती है। भुन्ने हुए छोले इस तरह कब्ज भी नहीं करते, खास करके जदों असीं उन्हें छिलके समेत लेंदे हाँ तो ये कब्ज नहीं करते। दूसरी चीज़ है कि आयरन का भी बहुत वड्डा सोर्स ने, तो एनीमिया जिन्हों हुंदा है, खून की कमी हुंदी है, तो उन्होंने भी बहुत वधिया है। खून की कमी होने करके भी सानू थकान, कमजोरी, लत्तां दे विच दर्द, इस तरह दीयां समस्यावां आउंदियां हन, आलस आउंदा है, सारा दिन नींद आउंदी है, तो उठ्या नहीं जांदा, तो ये उहदे लई भी बहुत वधिया है। छोले भी रोस्ट हो गए ने, तो असीं इहनूं कढ लैणा है।
इको थाली दे विच असी ये दोनों चीज़ां काढ़ लिया ने। ये थोड़ियां गर्म हन, इन्हां नू हल्का जिहा आपां ठंडा होण दिंदे हाँ। ओनी देर तक आपां मिश्री नू कुट लैंदे हाँ, क्योंकि वह धागे वाली मिश्री है, तो उन्हूं धागे नू आपां बाहर कढ़ांगे, उस तो बाद ही असी उन्हूं ग्राइंड कर सकते हाँ। मिश्री तुसी स्वाद दे अनुसार लै लैनी है। इत्थे ये दसना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मिठे नू अवॉइड करना चाहते ने हमेशा, पर हर कोई मिठा अवॉइड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों की जिहड़ी प्रकृति है वह पित्त हुंदी है। पित्तज प्रकृति वाले लोगों के विच गर्मी बहुत ज़्यादा हुंदी है, उन्हां दे हत्थां पैरां दे विच जलन हुंदी है, सीने दे विच भी जलन हुंदी है, तेजाब बहुत ज़्यादा बनता है, तो उन्हां नू मिठा लैना चाहिदा है। बच्चों नू भी मिठा सानू जरूर देना चाहिदा है, क्योंकि ये भी उन्हां दी ग्रोथ दे विच उन्हां दे ग्लूकोज लैवल नू मेनटेन करके रखता है, जिहदे नाल ब्रेन भी चंगा काम करता है। इस तो इलावा जिहड़े लोग शरीर विच पतले हन ते जिन्हां नू बहुत ही कंसंट्रेशन वाला काम करना पैंदा है, लैपटॉप दे अग्गे बैठ के सारा दिन काम करना पैंदा है, तो उन्हां नू थोड़ी एनर्जी दे लई चंगा क्वालिटी दा कार्बोहाइड्रेट लैना चाहिदा है। हुण साडा सारा समान जिहड़ा है ओह तैयार है, असी इक्को थाली दे विच सब कुछ इकट्ठा कर लवांगे, मगज भी विच रला लांगे, सौंफ, काली मिर्च ते इलायची जिहड़ी असी लई सी ओह वी इहदे विच रला लैणी है, ते मिश्री भी रला लैणी है। तां जदों भी एक होर चीज़ का ध्यान रखना है कि जेड़े लोगों के कमजोरी आती है, वह सब तो वड्डा जड़ा कारण हुंदा है वो ये है कि उन्हां दी जेड़ी इंटेस्टाइन है, उन्हां दा पाचन तंत्र है वह कमज़ोर हुंदा है, तो खाने नू खाने दे चंगे पोषक तत्तां नू एबजॉर्ब ही नहीं करता। जदों सौंफ, काली मिर्च ते इलायची असी लै रहे हैं तो ये अग्नि नू तंदुरुस्त करेगी, नाल अग्नि तंदुरुस्त होएगी तो जिहड़ा पाउडर असी खा रहे हैं ये पचेगा भी सही तरीके नाल, इहदे जिहड़े पोषक तत्व ने वो साढ़े शरीर नू मिलनगे, ये कारण है। बाकी हर मसाले दे अपने फायदे भी हुंदे हन बहुत ज़्यादा, इस तरह मिश्री अखां लई बहुत चंगी हुंदी है, शरीर की गर्मी नू दूर करती है ते नाल ही खून की कमी नू भी दूर करती है। सारे मिक्सचर नू रलवा मिलवा जिहा मिला के मिक्सर दे विच पीस लवांगे ताकि वह एक सार पीसिया जाए, तो बहुत वधिया पाउडर जिहड़ा है वह तैयार हो जाएगा। इस पाउडर नू असी किसी भी एयरटाइट कंटेनर दे विच स्टोर करना है। ये जिहड़ा पाउडर है इनू थोड़ा जिहा पहला ठंडा कर लेना, क्योंकि जो असी ग्राइंड करते हैं तो वह उहदे विच हीट हो जाती है, तो थोड़ा पहला ठंडा करके उस तो बाद असी इनू स्टोर करांगे। ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुंदा, 2-3 महीने तक भी खराब नहीं हुंदा जे तुसी इनू एयरटाइट दे विच रखदे हो, ते गिल्ला चम्मच इहदे अंदर नहीं पाउंदे। ये पाउडर कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, होर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ते एंटीऑक्सीडेंट्स इहदे अंदर हन, जिन्हां दे विच खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बहुत थकान ते कमजोरी रहिंदी है, हार्ट के पेशेंट्स ने, डायबिटीज़ के पेशेंट बिना मिश्री तो, फैटी लिवर के पेशेंट हन, कोई भी जिन्हां नू किसी भी तरह की तकलीफ है वो इस पाउडर नू बेझिझक लै सकते हैं, क्योंकि असी इहदे विच कोई फैट नहीं पाया। जिहड़े वेट लॉस करना चाहुंदे ने उन्हां लई भी बहुत वधिया पावर टॉनिक है। जिन्हां नू कणक तो एलर्जी रहिंदी है या फिर दुध तो एलर्जी रहिंदी है, उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा कमजोरी देखण नू मिलदी है, तां उन्हां लई भी ये ताकत का स्रोत है। दुध तो एलर्जी वाले जिहड़े पेशेंट्स ने वो कोकोनट मिल्क या एलमंड मिल्क दे विच मिक्स करके इहनू लै सकते हैं, कणक तो एलर्जी वाले जिहड़े ने वो दुध दे विच ही लै सकते हैं। जिन्हों का पेट अपसेट रहता है, वार वार मरोड़ उठते हैं, तो खादा पीता नहीं पचता, उन्होंने भी ये बहुत ही वधिया है। पर ये एक कंडीशन ये है कि ये बिल्कुल सुक्का पाउडर है, तुसी जे इसे तरह सुक्का खाओगे तो तुहाडी बॉडी दे विच बहुत ज़्यादा वात वध सकती है, ड्राइनैस आ सकती है। ये असी घी नहीं पाया, जेड़े घी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं गर्म करके। जिन्हां दा भार घट है या जिहड़े अपने बच्चों नूं देना चाहुंदे हन वह गर्म करके इहदे अंदर घी मिक्स करके इहदे लड्डू भी बना सकते हैं, तो इस तरह भी इहनूं वरत सकते हैं। दूसरा तरीका जिहड़ा है इहनूं वरतन दा वह ये है कि असी गर्म दुध लै लैना है, जिन्ना क असी गर्म पीते हाँ उस दुध दे विच पहला जदों शुरुआत करनी है तो सिर्फ एक चम्मच घोल के पीना है। 2-4 दिन तुसी एक चम्मच घोल के पियो, तुहाडे शरीर नू किस तरह महसूस हुंदा है, तुहानू सही तरीके नाल पचदा है, तो तुसी 2 चम्मच लैना शुरू कर दिओ, ते 2 चम्मच मात्रा इहदी बहुत है। या तो तुसी इहनू शाम नू लै सकदे हो रोटी खाण तो पहला, जदों शाम नू आपां नू ईवनिंग टाइम चाह दी भुख लगदी है, या फिर तुसी सवेरे वाले चाह दे समें विच इहनू लै सकदे हो। इहनू रोटी दे नाल नहीं लैणा, इनू डिनर टाइम दे विच भी नहीं लैना, क्योंकि जिहड़े भुन्ने हुए छोले या सुक्कियां चीज़ां हुंदियां हन उहनां दा सेवन सानू रात नू नहीं करना चाहिदा। जिहड़े लोग जिम जांदे हन या जिन्हां नू लगदा है कि असी घिओ खा सकदे हाँ, सानू इस तरह की कोई समस्या नहीं है, वह इस दुध वाले ग्लास विच एक चम्मच घी जरूर पा लैन, तां इह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ड्रिंक बन जाएगा।
ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।